हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लूसेंट की सीरीज हमने स्टार्ट करी है, और लूसेंट बुक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो लूसेंट को हम लोग अब ऑन स्क्रीन आके मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड क्वालिटी इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारा वीडियो, दो तीन वीडियो ऑलरेडी, तीन नहीं इनफैक्ट चार वीडियोज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगला वीडियो जो है वो टॉपिक एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। टॉपिक जो है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है आज का टॉपिक होने वाला है। छोटा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बात करें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें तो ये जो है असेंबली कब बनी थी, तो ये असेंबली बनने के पीछे कहानी हुई कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, और उसमें ये बोला गया कि भारतीय लोग अपना संविधान बनाए, ठीक है, एक्सेप्ट किया गया, और इस एक्सेप्टेंस के साथ ये जरूरी था कि कौन लोग उसे जो है उस संविधान को बनाएंगे। तो हुई बात ये कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट जगह से मेंबर्स चुन के ले आओ। तो इनमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम ये दिया गया, प्राइमरी काम था इसका संविधान को लिखना, लेकिन इसने एक और काम किया, दूसरा काम जो इसने किया वो इंटरिम गवर्नमेंट को चलाने का काम किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई कैसे, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, कैब मिशन प्लान शॉर्ट में लिखा है, इसी के प्रावधान के तहत आई, और इसमें बोला गया कि जो इसके मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स चुने जाएंगे और वो इलेक्टेड होंगे, लेकिन क्या जनता डायरेक्ट चुनेगी, तो जी नहीं, इनको इलेक्ट किया गया था बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, असेंबली के द्वारा इसे ईसी के द्वारा चुने गए मेंबर्स आए थे, और जो चुनने का तरीका था कि भाई आप क्या करो, हर 10 मतलब टोटल पॉपुलेशन में, मतलब इक्वली चुन के लेके आओ हर जगह से टोटल पॉपुलेशन, तो जो रेशियो निकल के आया था वो रेशियो निकल के आया था एक मेंबर पर 10 लाख, या फिर 1 मिलियन जिसे कहते हैं, हर 10 लाख पे एक मेंबर चुन के आए थे, तो इक्वली चुन के आए। और जो इसमें कम्युनिटीज डिसाइड हुई थी उसमें सिख थे, मुस्लिम्स थे और जनरल, ये मेनली जो है कम्युनिटी इसमें आई, सिख मुस्लिम और जनरल चुन के आए इसमें, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इसमें एक मेंबर पर 10 लाख चुन के आए, और इस तरीके से टोटल जो मेंबर्स हो गए इसमें संविधान को लिखने के लिए वो 389 हो गए, वो कितने हो गए, 389 हो गए, जिसमें इन 389 में 93 जो थे वो इंडियन स्टेट्स यानी कि प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रिंसली स्टेट से आए थे, यानी कि बाकी बचे कितने, 296। ये नंबर जो था, इस नंबर में 292 मेंबर, 292 अगर हम 389 में से 93 घटाएंगे 296 आ गया, क्योंकि इसमें से जो थे 389 में 93 प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे, और बाकी जो 296 बचे उसमें से 292 जो थे वो प्रोविंसेस से चुन के आए थे, प्रोविंसेस से, जिसे हम गवर्नर जनरल प्रोविंसेस कहते हैं, और बाकी चार जो थे इसमें, चार जो थे वो
चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से चुन के आए थे। अब आप कहोगे कि सर ये क्या है चीफ कमिश्नर, ठीक है प्रोविंस क्या है, तो ये बेसिकली आज के डेट में जैसे यूनियन टेरिटरी होता है ना, उस समय के समय का ये यूनियन टेरिटरी जैसा हुआ करता था। तो 296 में से टोटल में से देखे 389 में 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे, 296 बच गए, 93 इसमें से घटा लिया तो 296 में भी 292 प्रोविंसेस से गवर्नर जनरल की प्रोविंसेस से आए थे और 4 चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस से आए थे। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सिलेक्शन हुआ जो कह सकते हैं, ऐसे ये चुन के आए। ठीक है, अब इससे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि संविधान को लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी थी और उसके चेयरमैन कौन थे। संविधान लिखना इतना आसान काम नहीं था, तो संविधान को लिखने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गए, बंदे तो आ गए, लेकिन उसमें डिफरेंट कमिटीज बनाई गई, उस कमिटीज के चेयरमैन भी बनाए गए ताकि स्पेसिफिकली कुछ टास्क इन सब लोगों को दिया जा सके। तो उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे भी इसको जिक्र करके खत्म करेंगे जल्दी ही। तो जो इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी थी उसमें, जो हम कमिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट कमिटीज ताकि संविधान को बनाया जा सके, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही बनी थी। इसमें एक कमिटी बनी थी, इसका नाम है कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स। ठीक है, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। साथ में यहाँ पे एक और कमिटी की बात कर लूं, दोनों के चेयरमैन एक ही थे तो एक ही साथ लिख देते हैं, स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी, ये सवाल पूछ लिया जाता है कि स्टीयरिंग कमिटी के हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दोनों के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हो गई दो कमिटियां। फिर और भी कमिटियां थी, जैसे कि आता है फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, एड होक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, इन सभी के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी फटाफट लिखेंगे। ठीक है, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी चौथी कमिटी थी, इसमें एडहोक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहोक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग। ठीक है, इसके बाद एक और कमिटी, इस कमिटी का नाम है अपना यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है छठे नंबर पे आता है आपका यूनियन पावर्स कमिटी। इन चारों कमिटी के हेड कौन थे, इन चारों कमिटी के हेड थे हमारे पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन चारों कमिटी के हेड थे। सातवीं कमिटी जो आती है वो है स्टेट्स कमिटी। ठीक है, स्टेट्स कमिटी और एक और कमिटी जिसके हेड सेम थे, स्टेट्स कमिटी और दूसरे जो लिख रहा हूं इसके सेम थे, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमिटी ऑन FR लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके अलावा माइनोरिटीज, ठीक है, इसके अलावा भी है ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ट्राइबल, ये एक साथ है सब कुछ, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज।
इन दोनों कमिटियों के, स्टेट्स कमिटी और एडवाइजरी कमिटियों ने फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, इन दोनों के थे सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल लिख देता हूं, वल्लभ भाई पटेल है वैसे तो, ठीक है। तो ये 8 कमिटियां और भी 3-4 कमिटियां हैं, इनका भी नाम लिख देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट कमिटियां, इनके हेड पूछ लेता है तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हेड की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम अपने क्लास को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो प्रोसेस लगा, कैसे क्या हुआ उसको देख लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। चलिए तो 9th कमिटी आ जाएगी दोस्तों, अपनी कमिटियों की बात कर रहे हैं जिनकी मदद से संविधान बना था, तो 9th, ड्राफ्टिंग कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राफ्टिंग कमिटी 9th नंबर पे आ रही है, ड्राफ्टिंग कमिटी, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कमिटी थी, और इसकी सब कमिटी भी, इसकी भी, इस कमिटी की भी सब कमिटी थी, और ड्राफ्टिंग कमिटी ने ही संविधान लिखा था, उसको जांचा था, वेट किया था, सब कुछ किया था, और इसके जो चेयरमैन थे ऑफ कोर्स हमारे बाबा साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, भीमराव अंबेडकर साहब जायंट पर्सनालिटी, जाइगेंटिक पर्सनालिटी कहें तो कोई बुराई नहीं है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब। अंबेडकर की किताब आज भी हमारे लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन आज भी महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट प्लेस, मतलब सोसाइटी को चलाने के लिए अभी भी प्ले कर रही है। तो ये एक ऐसी ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ऐसी कमेटी थी जिसमें बेसिकली मेंबर्स और भी लोग थे, बी आर अम्बेडकर साहब तो खुद चेयरमैन थे, तो मेंबर्स जो थे उसमें एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मित्तर साहब जो कि बाद में रिप्लेस कर दिए गए, हेल्थ खराब हो गया था इनका, एन माधवा राव के द्वारा बी एल मित्तर साहब को हटा दिया गया था, फिर डॉक्टर खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी तो उनके जगह पे आए थे कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी 1948 में। तो ये इंपॉर्टेंट एक कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। अगला जो कमिटी आएगा 10 नंबर पे, वो कमिटी को देखते हैं। अगली कमिटी है हमारी क्रीडेंशियल कमिटी, क्रीडेंशियल कमिटी, ठीक है, क्रीडेंशियल कमिटी, क्रीडेंशियल कमिटी हमारी अगली आई, और इसके जो चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन जो है अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर इसके चेयरमैन बने। फिर 11 नंबर पे जो कमिटी आएगी वो है हाउस कमिटी, पट्टाभि सीतारमैया, हाउस कमिटी, हाउस कमिटी का मतलब है यहाँ पे जो सदन है उस कमिटी के लिए ये हाउस कमिटी बनाई गई थी, और इसके सदन के पावर्स वगैरह को ये डिसाइड करने का काम कर रही थी, और इसके जो चेयरमैन बने वो पट्टी सीतारमैया, पट्टाभि सीतारमैया बने, ठीक है, पट्टाभि सीतारमैया। फिर अगली जो कमिटी है वो है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, के एम मुंशी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, के एम मुंशी साहब इसके चेयरमैन थे, के एम मुंशी साहब इसके चेयरमैन बने, के एम मुंशी इसके चेयरमैन बने। फिर अगली कमिटी देख लेते हैं, अगली कमिटी जो आई वो थी कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके जो हेड बने इनका नाम है जीवी मावलंकर साहब। और एक सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने, तो यही बने थे, ठीक है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन बने थे, जीवी मावलंकर साहब ही बने थे। इसके बाद जो कमिटी आएगी दोस्तों वो है माइनॉरिटीज सब कमिटी,
माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज सब कमिटी। तो माइनॉरिटी सब कमिटी के जो हेड बने वो थे एच सी मुखर्जी साहब। ठीक है, फिर आता है और दो तीन कमिटियां हैं। माइनॉरिटी कमिटी के बाद आता है फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी। अब देखो फंडामेंटल राइट एक बड़ी चीज है, तो इसके लिए सब कमिटी बनाई गई थी। तो एफ आर फंडामेंटल राइट सब कमिटी लिख देता हूं। इसके जो चेयरमैन बने, इसके चेयरमैन कौन बने फंडामेंटल राइट सब कमिटी के, जेबी कृपलानी सर, जेबी कृपलानी। फिर 16 नंबर की कमिटी जो है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कमिटी लिख देता हूं। एक्सक्लूडेड एरिया तमाम चीज इसमें ऐड कर लेना। इसके जो चेयरमैन बने वो बने गोपीनाथ बारदोली, इसके चेयरमैन बने। और आखिरी जो कमिटी है इसमें वो है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी अदर देन आसाम। ये आसाम से रिलेटेड था एंड एक और बना एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड, पी लिख देता हूं, अदर देन आसाम। इसके जो चेयरमैन बने वो कौन बने दोस्तों अदर देन आसाम, इसके चेयरमैन बने ए वी ठक्कर साहब बने। तो यहाँ पे कमिटियां हमारी खत्म होती हैं। आई होप आपको ये याद करना पड़ेगा और मैं ये समझता हूं, मानता हूं कि आप इसे याद करोगे, एफर्ट डालोगे, क्योंकि कमिटियों से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये बना था और इसमें 389 मेंबर थे इनिशियली, जिसमें 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से बिलोंग करते थे और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। 296 में भी गवर्नर्स प्रोविंस यानी कि जो प्रोविंशियल एरिया से जो बिलोंग करते थे वो 292 थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 थे। इतनी बातें हमने पहले देखी थी, फिर हम कमिटियों में लग गए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट मीटिंग की बात करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई है, पहली मीटिंग कब हुई थी ये सवाल पूछा जाता है। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी कि संविधान को बनाया जाए कैसे क्या होगा, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी इसकी पहली मीटिंग। और इस मीटिंग में जो अस्थाई इसके प्रेसिडेंट थे, जिसे टेम्पोररी प्रेसिडेंट कहते हैं, वो थे कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा के प्रेसिडेंटशिप में ये हुई थी। और ये जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये परमानेंट नहीं थे, नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे, या फिर टेम्पोररी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, टेम्पोररी प्रेसिडेंट ये थे। बाद में इसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने कमेंट कर देना, ये बता दू, कमेंट ही कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में 9 दिसंबर 1946 को टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि कार्रवाई चलती है, लंबा समय लगता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहता है। तमाम संविधानों को हम खंगालते हैं, उसके अच्छी चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने में, और ऐसे करते करते हम संविधान बनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि इतनी धीमे पेस से संविधान बनाया है, ऐसे ही जल्द से लगता है कि जो सिंबल है इसका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल हाथी रखा गया था, तो बोला हाथी तो ऐसे ही चलेगी धीरे धीरे धीरे। ड्राफ्टिंग कमिटी को लोग मजाक में ड्रिफ्टिंग कमिटी बोलने लगे, तो काफी टाइम लगा था, ठीक है। लेकिन टाइम लगते लगते 26 नवंबर को 1946 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया और यही डेट प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डेट, ऐसे करके लिखा है। 26 नवंबर 1946 को हमारा जो है संविधान
बन के बिल्कुल तैयार हो गया था, और इस समय जो मेंबर्स की संख्या थी वो 284 ही रह गई थी, जो अर्लियर 299 थी जब पार्टीशन हो गया। अच्छा वो भी कहानी बताता हूँ, यहां तक समझ में आई ये बात कि 284 ही रह गए थे मेंबर जब फाइनली जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा एक कहानी बता दूं कि जो हमने 389 बात करी उसमें 793 प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे एंड ऐसा सब देखा था, बट पार्टीशन हो गया, पार्टीशन तो हो गया, पार्टीशन हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग अलग हो गई, पाकिस्तान की अलग हो गई भारत वाले से। तो हमारा जो सो कॉल 389 जो नंबर था ये डिक्लाइन करके हमारा ये आ गया 299। अब हम 299 ही बच गए थे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, अपना वो जो है 90 मेंबर लेके चला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लेके चली गई। ये भी 299 जो था लास्ट में बनते बनते तक 284 ही हो गया था, कुछ लोग मर गए, कुछ ऐसे हो गए, रिप्लेस हो गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये रहा मेंबर्स की कहानी, ऐसे करते करते हमारा संविधान बना। लेकिन संविधान बना तो बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, ठीक है। सिंबल लिख देता हूं, सिंबल क्या था, मैंने बोला एलिफेंट था सिंबल, इसीलिए लोगों ने मजाक उड़ाया कि एलिफेंट तो मतलब एकदम धीरे धीरे चलता है ना, मतवाला हाथी एकदम, तो इसीलिए इतना टाइम लग गया। कितना टाइम लगा, टाइम लगा 2 years 11 months 18 days, इतने दिनों में जो है हमारा, इतने समय में हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात हम कर लेंगे, थोड़ी सी इसको मिटाता हूं, फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि पंडित जी ने जवाहरलाल नेहरू सामने लाया था, और उसमें कहते हैं कि जो हमारे प्रीएम्बल में लिखा है लगभग वही बातें सब हमारे जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को आया था, 1946 को आया था, उसमें की गई थी। उसको फाइनली हमने 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट कर लिया था, मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया था उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, जिसे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं कि भाई जब संविधान बनेगा तो भारत कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी, वो पेश किया था, मूव किया था इस रिजोल्यूशन को, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसे कहा जाता है, ON हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, और ये डेट जो है वो है 13 दिसंबर 1946 को इसे मूव किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बातें क्या क्या थी, क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया था, उसको ब्रीफली मैं शॉर्ट में बताऊंगा, 5-6 बातें हैं। जैसे कि इसमें बात की गई थी यूनिटी ऑफ इंडिया की, तो यूनिटी लिखते हैं, यूनिटी की बात की गई थी, यूनिटी ऑफ ऑफकोर्स इंडिया। इसमें बात की गई थी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी की, भारत की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी की बात की गई थी, भारत की सिक्योरिटी की बात की गई थी भारत की। इसके अलावा इसमें यह कहा गया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कहा गया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो रिटेन होगा, ठीक है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमारा जो होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा कह सकते हैं वो डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। इन सभी के मतलब है जब हम प्रीएम्बल को पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो इन सभी को डिस्कस करेंगे, यूनिटी क्या होती है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी से क्या मतलब है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, रिपब्लिक मतलब कि जो हेड होगा स्टेट का, नेशन का, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, जैसे कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली से चुने हुए हैं, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, क्राउन चलता है भैया, वहां पे क्राउन, वहां का हेड जो है किंग होता है, तो वो रिपब्लिक नहीं, वो मोनार्की कही जाती है। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था दोस्तों वो था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, इन्होंने कहा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चलेगा, जहां पे बोला गया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस से मतलब ये है कि एक होगा यूनियन, दूसरा होगा इसमें स्टेट्स, यूनियन होंगे या स्टेट्स होंगे, और दोनों के अलग अलग पावर्स होंगे, दोनों के सेपरेट पावर होंगे, दोनों के सेपरेट पावर्स जो कि लिस्ट में बन के दे दिए जाएंगे कि इस पार्टिकुलर
एरिया में आप काम करोगे इस पर्टिकुलर, मतलब दोनों के अलग अलग पावर्स होंगे। फिर आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का तीसरा जो पॉइंट आता है, ऑब्जेक्टिव आता है वो जस्टिस हर तरीके का, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हर तरीके का। तो जस्टिस की बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई, जस्टिस की बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई, ठीक है, जस्टिस इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात की गई, जो आर्टिकल 19 में हम जिक्र करते हैं आज भी, एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, ये सब हमारे आज के डेट में फंडामेंटल राइट हैं, जो हमें हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में पेश किया था, फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्सो, एसोसिएशन, रिलीजियस फ्रीडम, तमाम चीजों की बात की गई थी इसमें, ठीक है, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड तमाम चीज। तो ये तीन बातें हैं, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, देख लेते हैं एक बार, इसको मिटाता हूं मैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव में लाया गया था वो मतलब हमारे संविधान में सारी चीजें हैं, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में थी वो सारी चीजें हमें संविधान में डिटेल में मिलेंगी। तो चौथा जो इनका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करें तो वो है माइनॉरिटीज का ध्यान रखना, यानी कि सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज, सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज। तो आज की डेट में हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का सेफ गार्ड तो है ही, चाहे वो सीट रिजर्व करके करो, चाहे उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसको कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। तो सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड्स, डाउन ट्रोडेंस कह सकते हैं, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड क्लास एंड ओबीसी, इन सब के लिए सेफ गार्ड की बात की गई और दिया भी गया है हमारे संविधान में, दिया भी गया है। फिर इसमें बात की गई कि इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रिटी की बात की गई थी, इंटीग्रिटी की, किसी भी तरीके से भारत की जो अखंडता है वो तहस नहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंटीग्रिटी की बात की गई थी। इसके बाद बात किया गया था इसमें ऑब्जेक्टिव में राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन वर्ल्ड, भारत का जो प्लेस हो वो राइटफुल, राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस हो, इस तरीके की हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, ऑनर्ड प्लेस हो कहां पे हमारा, वर्ल्ड में, वर्ल्ड में, और हम जो है काम करें वर्ल्ड पीस के लिए, वी शुड डू ऑल द एफर्ट्स टू मेंटेन द वर्ल्ड पीस एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड या फिर मैन काइंड। ये सब इनके रिजोल्यूशन थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये खत्म होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, इतना ही है, हिस्टोरिक है ये, 13 दिसंबर याद कर लेना 1946 इस डेट को ये लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है ड्राफ्टिंग कमेटी का, जैसे मैंने बताया था ना, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिखना शुरू, इसने एक्चुअली बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी, ये डेट पूछ लेता है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है ये बनी कब थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था ऑन द डेट, डेट पूछता है 29 अगस्त 1947 को ये बनी थी। और इसका काम ये था कि जो बी एन राव साहब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उन्होंने जो मतलब सजेस्ट करके जो ड्राफ्ट बना था उसको वेट करे, जांच करे ड्राफ्टिंग कमिटी, देखे सही है कि नहीं, तो ये 29 अगस्त को जो है बनी थी। बी एन राव साहब ऑफ कोर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, पूछ लेता है बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, एक बड़े मतलब जानकार थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वकील थे, लीगल प्रैक्टिस करते थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। फिर आता है, अब देखो सब कुछ हुआ, पूरा 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया और फाइनल रीडिंग जो हुआ वो थर्ड रीडिंग कहलाता है, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग कहलाता है। ये रीडिंग जो हुआ था ये 26 नवंबर, थोड़ा सा इसमें इंक कम हो रहा है, 1946 को हुआ था और इसी डेट को हमने सिग्नेचर जो है प्रेसिडेंट का भी ले लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे,
और हमने एडॉप्ट कर लिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग में। तो बहुत सारी रीडिंग हुई है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, तब जाके मतलब हमने जगह जगह से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजंस को बोरो तो किया है, लेकिन क्या वो हमारी सोसाइटी को सूट करेगा, इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, तब जाके हर सब उस पर पास किया गया है, तब जाके पास होके फिर फाइनल 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन में ये लागू हुआ है, ठीक है, खैर बन के तैयार हुआ है। तो इसी डेट को बहुत सारे प्रावधान, जैसे कि सिटीजनशिप, इसके अलावा सिटीजनशिप के अलावा जो है इलेक्शंस, ठीक है, एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे प्रावधानों को इसी डेट को लागू कर दिया गया था, और बची खुची जो प्रावधान थी उनको फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, और इसी डेट को माना जाता है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, और इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, ठीक है, 26 को ही मनाया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के तरीके से मनाया जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ये कर दो यार, जरूरी है। बाय बाय।